आज मुझे यहां तार उड़ा करके उनको सम्मानित करने का अवसर मिला, लेकिन वो मुझे अपने पैर नहीं छूने देती थी। बड़ी मुश्किल से मैंने उनके पैर छुए, वो मुझे रोक रही थी। ये जो हमारे यानी एक प्रकार से मातृशक्ति का साक्षात रूप, दोनों माताएं जब इस बेटे को आशीर्वाद देती है तो देश की करोड़ों करोड़ों माताएं, उनके आशीर्वाद जो मुझे मिलते हैं, मेरे मन को एक समाधान होता है। मैं हृदय से इन दोनों माताओं का श्रद्धापूर्वक प्रणाम करता हूं। भाइयों बहनों, कल शाम मैं भुवनेश्वर पहुंचा था और कल की शाम, भुवनेश्वर की शाम, क्या अद्भुत नजारा था। क्या अपार जनसमूह था। सड़कों पर अबाल वृद्ध सब, छोटे छोटे बच्चे, बुजुर्ग माताएं, सड़कों पर आकर के हजारों लोग आशीर्वाद दे रहे थे। मेरे लिए उड़ीसा का ये स्नेह, उड़ीसा का ये प्यार कितनी बड़ी ताकत का, और भगवान जगन्नाथ जी के चरणों में मिलने वाले आशीर्वाद, सचमुच मैं आप सबका जितना आभार व्यक्त करूं कम है। मैं उड़ीसा के लोगों का ऋणी हूं। आपने मुझे कर्जदार बना दिया है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं ये कर्ज, आपके प्यार का कर्ज, आपके आशीर्वाद का कर्ज, जो मेरे लिए एक ताकत बन गया है, मैं ये कर्ज ज्यादा से ज्यादा मेहनत करके, देश की सेवा करके चुकाऊंगा। और साथ साथ उड़ीसा को देश में एक विकसित राज्य बनाने के लिए दिन रात मेहनत करके चुकाऊंगा। साथियों, 26 साल पहले आज के दिन अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, उनकी सरकार ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया था और हमने ये दिखा दिया था कि देशभक्ति से ओतप्रोत सरकार देश हित के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, देश के लोगों की आशा अपेक्षा के लिए कैसे काम करती है। जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगला तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।